सत श्री अकाल जी सारयां नूं। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह। इस वेले असी के एम पी एक्सप्रैस हाईवे दे उपर सिंघू बार्डर दे लागे जिथे संयुक्त किसान मोर्चे ने 24 घंटे की कॉल दित्ती सीगी इस के एम पी रोड नूं बंद करन वास्ते। आओ असी तुहानूं इत्थों दे इस वेले अद्धी रात दे हालात दिखाने आ कि किस तरह साडे किसान आगू भी साडे किसान भरावां दे नाल इस मोर्चे दे उत्ते डट के जाग के पहरा दे रहे ने। आ देखो साढ़े इत्थे सज्जे पासे मैं देख रहा कि साढ़े लखोवाल साहब और सिद्धूपुरी जथेबंदी दे आगू सारे इत्थे डटे हुए ने अपने किसानां दे नाल। पहरेदारी एक हिसाब की कह सकते हैं भी पहरेदारी करते हैं जिथे साढ़े पिछे किसान भरा जो है गोदी मीडिया रौला पाता भी 5-star होटलों में सौंदे ने उत्थे रोटी खाते ने। आओ मैं वह भी हालात दस दें भी किदा। देखो साडे भरा इत्थे डटे पए ने सड़क के उपर ही तरपाला विछा के गद्दे विछा के और रात नूं इत्थे नींदरा कटदे पए आ और अपने हक की लड़ाई लड़दे पए ने जे वो इस केंद्र सरकार दे नाल मत्था लगा होया। साडा जो मोदी आ वह तो इस वेले कुंभकरण की नीर सुत्ता होया पर जिहड़े साडे किसान भरा आ उन्हां दे टारगेट इन्ने क वड्डे ने कि वह रात जाग के अपने टीचे दे उत्ते पहुँचने की कोशिश करते पे आ भी किस तरह ये काले कानून रद्द करवाए जान। और जो इस साड़ी केंद्र की कैबिनेट आ जिन्हों का शायद मैं कह सकदा कि दिमाग खाली आ जां दिमागों अनपढ़ ने और उन्होंने जिन्होंने ये काले कानून साडे किसानां दे उत्ते थोपे ने भारत की किसानी नूं मारन वास्ते और जो अखां बंद कर चुकी है साड़ी केंद्र की सरकार आ। देखो भी किस तरह साडे किसान जिहड़ा यह गोदी मीडिया रौला पाता फिरदा भी ये 5-star होटलों में सुते ने। आ वेखो इन्हां दे 5-star होटल ये जो सड़कां दे उत्ते इस वेले होटल साडे बने पए आ। देखो लखां दी गिणती दे विच साडे भरा इस वेले साडी नौजवानी वास्ते लड़ाई लड़दे पए आ आण वालियां पीढ़ियां वास्ते लड़ाई लड़दे पए आ अपने हकों की लड़ाई लड़ते पे ने। और ये साडे बैड ने पक्या सड़क जिन्हों के उपर असी नंगे पैरी तुर भी नहीं सकते। इतने साडे भरा वह साडे बजुर्ग साडे वास्ते सुते हुए ने। मैं कहना चाहना इस केंद्र सरकार नू आप दियां अखां खोलो जिहड़ियां पट्टी बन्नी हुई आ तुहाडे इस अखां दे उपर कोपरेट घराने की जो दलाली मिल रही है तुहानू उन्हां तों साढ़े 350 तो साढ़े किसान बजुर्ग बीबिया शहीद हो चुके ने अपनी हकों की लड़ाई लड़न वास्ते। और सौण की जगह देख लो तुसी आप जिथे एसी कमरिया दे विच सियाल दे विच हीटर वाल ला के सौने और सियाल दे विच भी यही इदां ही किसान सड़कों के उत्ते सुते ने। और नाल दी नाल हुण जे गर्मियां आईयां ने ते गर्मियां दे विच देख लो कि बिना एसी तो बिना पखियां तो और पता नहीं भी किन्ना कित्थे मच्छर आ जिथे साडे यह बजुर्ग अपने हकों की लड़ाई वास्ते सुते हुए ने। और नाल दी नाल ही मैं चाहवांगा इन्हां नूं भी अपने कन्न भी खोलो जरा क और इन्हां दा गल्लां इन्हां दीआं सुणो ओह भी किस तरह रोज़ तुहानूं लांतां पै रहीआं ने। पहला देश का प्रधानमंत्री होगा जिन्हों वड्डी गिणती दे विच अपने ही देश दे लोक गालां कढ़दे पए ने भी उन्हां दी फिर भी इन्हें सरकार ने कन्न बंद किए पे आ और ना ही इन्हां दी आवाज़ सुणदे पए आ। इन्नियां लांतां ते किसे बंदे नूं पईआं हुंदीआं ना ते हो सकदा भी वह चप्पली दे विच नक्क डोब के मर जांदा पर देश का प्रधानमंत्री उस लोकतंत्र का घाण कर रहा अपने ही देश दे लोकां दी आवाज़ सुनने नूं ये मंजूर नहीं हैगा। और 6 महीनों तो असी अपने हकों की लड़ाई लड़ते पे हाँ पर इहदी सेहत दे अजे तक कोई असर नहीं। मैं कहना चाहना भी इस कुंभकरण की नींद तो जाग जाओ। असी हुण तक शांतमई ढंग दे नाल अपील कर रहे हैं अज सिर्फ 24 घंटे के एम पी रोड बंद करके दसिया वा तुहानूं भी जे कितें इस रोड दे उत्ते पक्का मोर्चा लग गया तो किदां पूरे भारत का लिंक दिल्ली दे नालों टुट जूगा हरेक स्टेट का लिंक एक दूसरे की स्टेट दे नालों टुट जूगा। तो जो हालात फिर इस भारत देश के बन गए तो जिम्मेवार मोदी सरकार होगी। और अपने नौजवान वीरां नूं मैं एक बेनती करना चाहुंदा अज अपने वल्लों नौजवान होण दे नाते भी जिथे असी पहला 26 नवंबर नूं जदों पंजाब तो दिल्ली वल नूं चले सी उदों साडे जथेबंदियां दी इक कॉल सी भी जिथे सानूं प्रशासन रोकेगा असी रुक जांगे पर साडी नौजवानी नूं ओह मंजूर नहीं सीगा। तुसी अपने होश दे नाल अपने जज्बे दे नाल चढ़दी कला दे नाल बैरीकेड तोड़े और मोर्चा लिया के दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते लाता। वर्ल्ड वाइड तुहाडी इस शलांघा दी तुहाडे हौसले दी तुहाडे जज्बे दा
एक इन्ना उच्चा रुतबा बन गया भी प्रैशर बन गया पूरे दुनिया के इस सरकार के उत्ते जो तुसी उदन कारा कर दिता अज तुहाडी नौजवानों की बदौलत है कि मोर्चा जो दिल्ली आके लग गया। पर उस तो बाद जो 26 जनवरी की परेड की गल आई उदों असी थोड़ी जी साडे मन दे वलवले सी जो विचार सी वो साडे तालमेल दे विच कमी आई जो मैं मन सकदा हां कि साडे बजुर्ग आगू जो सानू हिदायतां दिंदे सी असी थोड़ी जी अपनियां मन मर्जियां कीतियां और जो समय दे हालातां दे नाल जिद्दां दा समां आया तुहाडे सारयां दे सामने आ। पर हुण जिहड़ी जथेबंदियां ने कॉल कीती आ मई महीने दे विच पार्लीमेंट घराओ दी उदन असी मैं तुहानू एक बेनती करदा भी असी तालमेल दे नाल चलना आ। जिथे पहला एक गलती हुई वो असी गलती करन दा कोई किसी नू मौका नहीं देना। जिहड़ियां अफवाहां उड्डियां पईयां ने उहनां दा खंडन करना और अपनी जो जथेबंदियां ने उहनां दे तालमेल दे विच रह के चलना। जो उहनां ने जिद्दां दी रणनीति तैयार करनगे उहनां नू अगे ला के असी उहनां दे पिछे मोढे नाल मोढा जोड़ के खलोणा आ। और जिद्दण होश ते जोश दा तालमेल बन गया जिस तरह तुसी आप मुहारे हो के सरकार दियां नाकणां लीकां कढ़ाईयां सी उदन यह सरकार भी अगे लानी आ। इस दिल्ली की हिक दे उत्ते नचना आ और कब्जा भी आपां करना आ जेकर साडी शांतमई गल नहीं सुणदे। बट मैं इको बेनती करदा सारे नौजवानों नूं भी साडा जो इको ही एक हुण इस वेले टारगेट होना चाहिए भी काले कानून रद्द किदां होण और रद्द होण दा इको ही गल बनदी आ भी असी एके दे नाल तालमेल दे नाल चलीए और इस जो सरकार दे नाल जालम सरकार नाल साडा मत्था लगा ओनू असी इन्हां दीआं गोडलियां लवाईए और अपनी जित प्राप्त करिए। ते इत्थे मैं देख रहा भी साडियां कुछ बीबियां भी ने भैणां भी ने जो इत्थे ही साडे आप दे मोर्चे दे विच डटे होए ने और खुले आसमान दे थले रात कटदे पए ने। दसो साडे किस तरह दे इह इस वेले भारत दे हालात आ। शर्म आनी चाहीदी आ इस केंद्र सरकार नूं जिन्हों अपने ही भारत के वसनीकां दी अपने किसानां दी आवाज़ नहीं सुनती पई और उन्हां दे हक नूं मारन दी उन्हां दी आवाज़ नूं दबण दी कोशिश करदे पए आ। और मैं उस गोदी मीडिया नूं भी कहना चाहवांगा भी घट्टो घट्ट तुसीं आपणियां तनखाहां लवो पर तुहाडे 'च कोई इनसानियत भी होनी चाहीदी आ। अपने लोगों का दर्द दसो भी किहड़े हालातों के विच इस दिल्ली के मोर्चे के उत्ते डटे पए ने और किन्ना लंबा समा हो गया किन्नियां शहीदियां हो गईयां ने पर अजे तक सरकार के उत्ते कोई असर नहीं आ। पर एक मैं कह देना चाहना सारे भारतवासियों नूं कि जेकर एक मोदी अपने फैसले ते अड़िया पिया और असी भी लखां दी गिनती दे विच आ तुहाडे इरादे इन्ने दृढ़ होने चाहीदे आ। जिन्नी देर तक तुहाडे इह अगे गोडे ना टेक देवे जो साडी मंग आ काले कानून रद्द कराण दी जिन्ने देर तक मन्नी ना जावे उन्नी देर तक एक कदम भी इस मोर्चे तों पिछे पैर नहीं पुटना। रणनीति बनाओ मोर्चे दे विच डट जाओ चढ़दी कला दे विच रहो जित प्राप्त करनी आ एके दे विच रह के करनी आ। जथेबंदियां दे आगुआं नूं अगे ला के उन्हां दी रणनीति तहत ही चलणा आ और जिन्नी देर तक यह काले कानून रद्द नहीं हो जाते उस दे उन्नी देर तक असी एक इंच पैर भी इस तों पिछे नहीं पुटना। जिहड़े अजे तक दिल्ली दे मोर्चे ते नहीं पहुँचे वो अपनी वड्डी गिनती च हाजरी भरो बजुर्ग साथ दिओ नौजवान साथ दिओ जन अंदोलन बन चुका साडा इह मोर्चा और जन अंदोलन जदों कोई मोर्चा बन जाए तो हरेक शरीर जो मोर्चा चढ़दी कला वल जाए तो भी तुसी बराबर दी जिम्मेवार जे जे ढहंदी कला वल जाए तो भी तुसी बराबर दी जिम्मेवार जे। और इस मोर्चे दा आने वाले समय दे विच इतिहास लिखा जाना इतिहास दे विच तुहाडी भूमिका की होगी ये असी फैसला करना है भी असी आने वाली अपनियां नस्लां नूं पीढ़ियां नूं की दसना है भी असी अपने हक्कां दी लड़ाई किस तरह लड़ी सी और तुहाडे वास्ते असी की कुर्बानियां कीतियां ने और जज्बा की रहा वा साडे इस पीढ़ियां दे विच। देखो किद्दां साडे किसान भरा बजुर्ग साडे वास्ते अपनी जवानी बचाउण वास्ते किसानी बचाउण वास्ते सड़कां दे उत्ते अद्धी रात नूं भी सुत्ते पए आ। ते इह जिहड़ा गोदी मीडिया रौला पाउंदा फिरदा भी इहदे 5-star होटलां 'च सौंदे आ आ जे साडियां 5-star होटल जिहड़ियां इस वेले हाईवे दियां सड़कां बणियां पईयां ने शर्म आनी चाहीदी आ इस तरह दे। और साडे बजुर्ग कह रहे भी मच्छर एक वारी दसो भी किड्डा किड्डा मोटा मच्छर आ जिहड़ा इत्थे लड़दा पिया। और सारिआं नूं इहो बेनती करदा डट जाओ मोर्चिआं 'च अपने आगुआं दा साथ दिओ जिहड़े अफवाहां फैला रहे आ जिद्दां बीजेपी वाले भजाने हो तुसीं पिंडां 'चों इदां ही अफवाहां फैलाउण वालिआं नूं भजाओ क्योंकि साडा टारगेट काले कानून रद्द कराउणा आ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।